तो हेलो दोस्तों, ये है 84 कुटिया बीटल हाउस जो ऋषिकेश में स्थित है नीलकंठ मार्ग पर। तो यहाँ आप घूमने के लिए आ सकते हैं। ये राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर आता है और घूमने के लिए, मेडिटेशन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव आपको मिलेगा। तो आप प्लीज़ कभी आइए 84 कुटिया बीटल हाउस राजा जी टाइगर रिजर्व। गौरी रेंज में यह क्षेत्र पड़ता है और ये महर्षि जी का आश्रम था कभी, और अब ये राजा जी टाइगर रिजर्व के अधीनस्थ है। और ये एक इको टूरिज्म जोन है जहाँ पे राजा जी टाइगर रिजर्व सारा मेंटेनेंस वगैरह देखता है। और इसके अंदर इंडियन का जो चार्जेस हैं घूमने वगैरह के, तो 150 रुपये पर पर्सन का चार्ज घूमने का लगता है, और फॉरेनर जो आते हैं उनका 600 रुपये लगभग चार्ज यहाँ पे लिया जाता है, जो शुल्क राजा जी टाइगर रिजर्व द्वारा लिया जाता है। और आपको उस शुल्क को देकर आप इसमें घूम सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह है और बाहर के विदेशी पर्यटकों को काफ़ी अच्छा महसूस होता है यहाँ के, और उनकी संख्या बहुत अधिक होती है यहाँ पे। हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे चले गए थे तो 10 बजे से ये खुल जाता है और 4 बजे तक यहाँ पर टूरिस्ट का आवागमन लगा रहता है। बहुत अच्छी जगह है, कभी आप आइए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप ऋषिकेश राफ्टिंग वगैरह या घूमने के लिए उत्तराखंड में आते हैं, तो यह 84 कुटिया में राजा जी ने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ बिल्कुल भी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं की गई है और एक प्राकृतिक आवास के रूप में जैसे है, उसी तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप आइए और यहाँ का अनुभव आप लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, यहाँ मर्जी होगी और इंग्लैंड का बीटल्स ग्रुप, एक म्यूजिशियन ग्रुप था, मेडिटेशन के लिए काफी अच्छी जगह है। देखो पहले की कलाकारी, ये किस तरीके से डिजाइन करा गया है, काफी खूबसूरत है। और जैसे इसका नाम 84 कुटिया पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? जैसे आप ये देख पा रहे हैं, तो ये महर्षि योगी जी का ये आश्रम था, ये उनकी कुटिया थी और इस कुटिया में वो अपना वास किया करते थे। Thank you.
ये देखिए, जैसे आपको प्रकृति के नज़ारे भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ। ये जंगल फूल है जो घूम रही है। ये है वेद भवन, जो बीटल बैंड था। वो बीटल बैंड इंग्लैंड का मशहूर बैंड था, उस नाम से भी चौरासी कुटिया का नाम बीटल हाउस पड़ा था। ये कुछ प्रिंटिंग तस्वीरें उनके चाहने वालों के द्वारा बनाई गई हैं और उनकी तस्वीरों को दीवार से पेंट किया गया है। भले अब वहाँ पर किसी भी प्रकार का पेंटिंग वगैरह करना वर्जित है और आप वहाँ पे जो है ड्रोन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, भले आप अपने मोबाइल से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और अगर आप कैमरा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल कैमरा, तो उसके अलग से चार्जेस शुल्क आपसे वहाँ गेट पर लिए जाते हैं। चौरासी कुटिया में एक पूरा सिटी जैसे आश्रम में पूरी थी। वहाँ पे उनकी किचन से लेकर पोस्ट ऑफिस से लेकर हॉस्पिटल से लेकर हर चीज़ अवेलेबल थी। तो वहाँ पे एक छोटी जैसे सिटी होती है डेवलप उस टाइम समय में, 1976 में ऐसी जगह में एक सिटी डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे पुराने इतिहास और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जिसको राजा जी टाइगर रिजर्व ने अपनी क्षेत्र में संजो कर रखा गया है और पर्यटकों को अच्छा अनुभव महसूस होता है वहाँ जाकर। जैसे आप देख पा रहे हैं कि राजा जी टाइगर रिजर्व के जो वन्य प्राणी हैं उनकी भी कुछ सुंदर तस्वीरें वहाँ पर लगाई गई हैं। और टाइगर, एलिफेंट, चीतल, सांबर, सभी वन्य प्राणियों की तस्वीरें वहाँ पर राजा जी टाइगर रिजर्व द्वारा लगाई गई हैं। और साथ ही वहाँ पर एक कैंटीन भी राजा जी टाइगर रिजर्व द्वारा बनाई गई है, जो इको विकास समिति EDC नज़दीकी गांवों के माध्यम से उसका संचालन वहाँ पर किया जाता है। और साथ ही राजा जी टाइगर रिजर्व द्वारा गांवों के निवासियों को रोज़गार देने के संबंध में वहाँ पर कैंटीन और भी सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, ये चीला चंडी पुल से लेकर ऋषिकेश तक जो नहर की रोड चलती है, उससे हम लोग वहाँ पर गए थे। काफ़ी अच्छा वहाँ पर जाकर प्रतीत हुआ और एक नया अनुभव अपने जीवन में सीखने को मिला है।